ये अवैध बिल्डिंग बन रही थी, वो बनते ही जैसे शुरुआत में कॉलोनी वालों ने नगर निगम में इसकी आपत्ति दर्ज करवाई, नगर निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये तुरंत ही बन गई। इसका टैंक है दो बाई दो का मुंह है, उसमें गाय, बड़ी गाय अंदर मरी हुई है, तो हमें लगता है कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि इतने छोटे 2 फुट के खड्डे में इतनी बड़ी गाय कैसे चली जाएगी। तो हमारा इससे नगर निगम प्रशासन से ये मांग है कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए और इसके खिलाफ जो भी आदमी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कितने दिन हो गए कि कब कैसे घटना का? ये कई दिन हो गए, क्योंकि बदबू आने लगी, जब बदबू आने लगी कॉलोनी में, तब लोगों ने देखा कि कोई मर गया, तब अंदर जाके वहाँ पे देखा तो वो गाय का मुंह बाहर की तरफ, टैंक के बाहर था और गाय पूरी सड़ चुकी है। ऐसा है, इस क्षेत्र में विशेष तौर पे एक संख्यक लोग कुछ मकान खरीदते हैं, खरीद करके बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बना करके अवैध कारोबार करते हैं। अवैध कारोबार के तौर पे जब हमने इस बिल्डिंग के लिए शिकायत करी तो इस बिल्डिंग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई नगर निगम के द्वारा। आज ये बिल्डिंग बनकर के 4 मंजिला हो गई और उन्होंने अपना रूप दिखाते हुए 2x2 के अंदर एक गाय को मार करके इस प्रकार से पटका हुआ कि आदमी भी नहीं जा सकता उसके अंदर। आज हम सब लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि आज न्याय नहीं हुआ तो शायद भविष्य में कभी हो भी नहीं पाएगा, ये लोग इसी प्रकार से करते रहेंगे। हमारा यही कहना है निगम प्रशासन से और सभी लोगों से कि आज इसका न्याय होकर के रहे और ये अवैध बिल्डिंग बनी है इसको ध्वस्त किया जाए और जो गोहत्या, आज किसी की भी हत्या होती है तो उसको न्याय मिले, जो गोहत्या हुई उसका न्याय मिले। हमारे वीरेंद्र जी, गोगा समिति जो गौ रक्षा के काम में लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस क्षेत्र की हिंदू जनता, इन्होंने बिल्कुल शांत रहकर सरकार की मर्यादाओं का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए, एक ऐसे घर में जो इल्लीगल बना हुआ है, जो एक ऐसे संप्रदाय का है जहां गौ माता की इज्जत नहीं होती है, वहां पर वो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई है, उसके लिए FIR दर्ज होगी। मकान सील कर दिया गया है, DC ने पाया है कि वो इल्लीगल है और उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। अपन नहीं की क्यों बात करें, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, इसकी जरूरत बस, यहाँ पर गौ माता का बड़ा सत्संग आयोजित करेंगे, हजारों लोगों का। वो बात ये हुई है कि ये लोग गौ माता की सेवा के लिए कुछ चाहते हैं कि उनका इलाज करते रहें, समिति बनी हुई है, तो मैंने कहा है कि उसके लिए विधायक कोष से 25 लाख रुपए देंगे इनको, और ज्यादा कहेंगे तो ज्यादा दे देंगे, ये कहेंगे 50 लाख चाहिए तो 50 लाख दे देंगे, इनका ही पैसा, इनकी सरकार, इनको ही देना। वचन और देता हूँ, एक बार सुन लो भाई, कि इस कार्यकाल के अंदर गौ माताओं का इलाज करने के लिए इनको जगह उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें और उसमें गौ माताओं की रक्षा के लिए 25 लाख रुपए विधायक कोष से दूंगा, 25 लाख रुपए। और गोगाजी गौशाला फाउंडेशन, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो भाई, गोगाजी गौशाला फाउंडेशन, ओम सिंह सिद्धार्थ रोमी, ओम शिव सिद्धार्थ रोमी, इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, इनकी टीम का और इनकी टीम का, आप सभी लोगों का, बोलिए गौ माता की, पूरी टीम और जगह। अब आप बोलो, एक सेकंड मेरी बात,